बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय व्यूज़, कैसे हैं? ठीक है आप जी व्यूज़? नए साल के लिए सबसे पहले आप सबको मुबारक हो। और नए साल की जो रेसिपी हम लेके आए हैं वो जी हम बनाने लगे हैं जी दाल, जो अक्सर घरों में पकाई बनाई जाती है दाल सर्दियों में, देसी घी वाली काफ़ी चीज़ें डाली जाती है, बादाम की चीज़ें। ये मेरी वादा माशाल्लाह वो बनाएगी और वादा से सब चीज़ें पूछेंगे कौन कौन सी चीज़ कितनी डलेगी, कितनी दाल बना रहे हैं वो सारी होगी। तो ये रेसिपी ये किस तरह बनाई जाती है अभी बनाएंगे हम दाल, और इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो आपको वादा जो है वो बताएंगी जी। माँ जी, असलाम जी, माँ जी आप बताएं जी कौन सी दाल बना रही हूँ, क्या क्या इसमें डलेगा? एक किलो घी जी। ये देसी घी है? देसी घी। ठीक है जी। एक किलो चने की दाल। अच्छा, देसी घी एक किलो डलेगा टोटल? हाँ, एक किलो चने की दाल। अच्छा, एक किलो चने की दाल। एक किलो चने की दाल। ठीक है। एक किलो घी में एक किलो चने की दाल हो गई। अब इसको हिलाते जाएंगे, इसकी ढेरी ना बने। हाँ, थोड़ी सारी। हाँ जी, ठीक है जी। माशाल्लाह जी, देखें आप दाल जो है ना, जो दाल डाली एक किलो चने की दाल की, जो पेस्ट हमने डाला है वो अब घुल गया सारा, और अब आप देख सकते हैं इसमें ना जो ना पकनी शुरू हो गई है। अब ये जैसे ये पकती है फिर जो दूसरी चीज़ें वो डालेंगे दाल में जो डालने वाली है। अब इसमें क्या डालेंगे? एक पाव सूजी डालने। चलो चमा हिलाते जाना है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अब जैसे बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं, दाल अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। एक दाल में ये सूजी हमने डाल दी, अभी इसको भी थोड़ा सा ना हिलाते जाएंगे ताकि ना कढ़ाई में जो है ना ये चिपके नहीं जा सके। फिर अगर ये दाल चिपकेगी फिर स्मेल देनी शुरू कर देगी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ये कलर आ चुका है। अभी थोड़ी सी और देर कसर आएगी पकने में, ये पकता है फिर भी तो जो सारी ये चीज़ें ना माशाल्लाह, काजू है, बादाम है, माशाल्लाह चार मगज है, ये चीज़ें सारी ना जो चीज़ें जो ना बाद में डालते हैं, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। अब जैसे ये होता है निकलती कसर निकल जाती है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह डालेंगे। माशाल्लाह जी, देखिए कितना खूबसूरत जो है कलर आ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अभी इसमें जो ना घड़ी ऐड करेंगे। ये माँ जी घड़ी कितनी है? आधा किलो माशाल्लाह जी, आधा किलो घड़ी ऐड हुई है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी स्मेल जो है ना वो आनी शुरू हो गई है, खुशबू जो है वो आनी शुरू हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी घड़ी अब डाल दी है। घड़ी के बाद अब हम डालेंगे जी, माँ जी क्या डालेंगे अभी? चार मगज। ये कितने हैं? आधा पाव। एक पाव चार मगज डाल दिए हमने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक पाव काजू जा रही है जी। माशाल्लाह जी, सर्दियों की सौगात तैयार हो रही है जी, ये सर्दियों की सौगात है जी। पिस्ता आधा पाव जी, ये पिस्ता और
सोनी जा रही है जी। हाँ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जो है जी नज़र आ रही है माशाल्लाह। देखिए माशा आपको ना घी भी माशाल्लाह अलग से नज़र आ रहा है माशाल्लाह, घी ने अपना आप छोड़ दिया हुआ है माशाल्लाह। जी मारे आप क्या डालेंगे? आधा किलो बादाम, आधा किलो बादाम डालेंगे जी मारे जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बादाम देखे माशाल्लाह जी बादाम काजू माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है जी माशाल्लाह। वो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह क्या बताऊँ। देसी भी देसी काम ही होते हैं जी माशाल्लाह, इतनी हैवी हैवी चीज़ें डली हैं ना माशाल्लाह। ये सर्दियों में आप खाएँ आप सर्दी ही आपको लगेगी इंशाल्लाह। आपकी कमर दर्द हो आपकी टांग में दर्द है जी ये खाएँ जी दर्द सारी गाय क्यों माँ जी माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि ये देखिए जी माशाल्लाह ये देखिए ये इस तरफ से ये देखिए माशाल्लाह घी जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ठंडी थोड़ी सी होगी तो इसमें जो है ना फिर ये चीनी जो है माशाल्लाह ये ऐड करेंगे जी। एक किलो चीनी है ये भी ऐड की जाएगी फिर। दाल ठंडी हो चुकी है दाल काफ़ी ठीक है। अब इसमें जी चीनी जो है वो ऐड करेंगे जी। जी माँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इतना खूबसूरत कलर आया जी और खुशबू जो है ना वो आनी शुरू भी हो गई है जैसी घी की खुशबू लैदा आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है आप देख सकते हैं माशाल्लाह देसी घी जो है ना आप देख सकते हैं कैसे ऊपर आ गया हुआ है। अब जो है जी ये चखने की बारी है माशाल्लाह जी आप खाते हैं दालें माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत जो है जी दाल तैयार हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी दाल तैयार हो चुकी है। अब इसको चखते हैं और आपको बताते हैं जी इसका फाइनल रिव्यू दिखाते हैं जी मज़ा कितनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बादाम भी साथ में लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छी दाल बनी है और मीठा जो है ना वो नॉर्मल ही है ये कितना ज़्यादा मीठा नहीं क्योंकि खाई ना जाए। माँ जी वेरी गुड बहुत अच्छी तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो आप घर में भी ये भी माशाल्लाह बना सकते हैं इसी रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ जो अच्छी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि भी बड़ा अच्छा तकरीबन एक किलो से ज़्यादा डाला हुआ है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं इसी दुआ में अपना ख्याल रखें अपने बड़ों का भी ख्याल रखें। और माँ में फर्स्ट टाइम जो मेरी मदर ने वीडियो में आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इमरानी ब्रांड ऑफिशियल को ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँच सकें। तो इमरानी को दीजिए ज़्यादा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।